हेलो फ्रेंड्स, आरएस साइंस एजु में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, सेल साइज एंड सेल शेप। नेचर में मुख्य तौर पर दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल एक पेशी जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैव प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मुख्य तौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट, फंजाई, सम अल्गी। तो यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उस पर कवरिंग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं। देयर इज अ फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोटिक सेल द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज स्मॉलर एंड इन यूकैरियोटिक राइबोसोम इज लार्जर। इन प्रोकैरियोटिक्स गॉल्गी एपरेटस इज एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक गॉल्गी एपरेटस इज प्रेजेंट एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वैक्यूल इज एब्सेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल वैक्यूल इज एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल वैक्यूल इज प्रेजेंट। आप इमेज में देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से कैसे अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल इज अ कॉम्प्लेक्स इरेगुलर एंड राउंड शेप स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, और प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है। एंड यूकैरियोटिक सेल का जब ऑब्जर्व करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड सेल ऑर्गेनिज ऑल्सो ही मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस है कि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन यूकैरियोटिक्स एंड न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इन प्रोकैरियोटिक्स, एंड सेल ऑर्गेनिल इज मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेन डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल के और दो प्रकार पड़ते हैं, एक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर इन शेप, एनिमल सेल इरेगुलर एंड राउंड इन शेप। प्लांट सेल सेंट्रोजोम एब्सेंट, इन एनिमल सेल सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट। इन प्लांट सेल प्लास्टिड इज प्रेजेंट, इन एनिमल सेल प्लास्टिड इज एब्सेंट। प्लांट सेल इज ऑटोट्रॉफिक, एनिमल सेल इज हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इन एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के दो प्रकार पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, फॉर एग्जाम्पल अमेबा एंड पैरामेसियम। The multicellular organism, the organism is made up of number of cell, for example plant cell and animal cell. अगर हम सेल साइज की बात करेंगे तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में अलग अलग साइज की सेल होती है। कुछ सेल विजिबल होती है, कुछ सेल नॉन विजिबल होती है, और कुछ सेल माइक्रोस्कोपिक होती है। द सेल रेंजेस फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 मीटर। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल, जब दुनिया की सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। द रेंजेस रेंज ऑफ दिस साइज 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल साइज ऑफ सेल इज सीन इन ऑस्ट्रिच एग। द रेंजेस ऑफ दिस साइज सेल 15 टू 18 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सेरेबेलम इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सेरेबेलम ही सबसे छोटी सेल है ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी देर इज ओहम, फीमेल ओहम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन।
नर्व सेल सबसे लंबी सेल है ह्यूमन बॉडी में। द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज ग्रेटली वेरीज इन साइज एंड शेप। हर जीव में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और शेप के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप सेल्स के, जैसे कि रॉड शेप, दिस इज अ रॉड शेप, दिस इज अ राउंड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, इरेगुलर शेप, अमेबा इज इरेगुलर शेप, रेड ब्लड सेल इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनार इपिथेलियल सेल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पोहम सेल राउंडेड कॉलमनार इपिथेलियल सेल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल शेप, स्पर्म सेल बोन शेप, नर्व सेल इलोंगेटेड एंड ब्रांच, गार्ड सेल इज किडनी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।